और आज की इस यू बाइक वाली वीडियो में हम निकालने वाले हैं इसकी हब मोटर, क्योंकि ये थोड़ी सी जाम चल रही है। हम देख सकते हैं काफ़ी जाम है ये, तो हम इसको अपने गैराज में खोलेंगे और इसको इसकी एक जो जनरल सर्विस होती है, जैसी सर्विस हमने इसकी चार्जर की थी, वैसे करने वाले हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। ये जो हब मोटर है जो यो स्पीड में लगी हुई थी, अब चूँकि थोड़ी सी जाम है इसलिए हम इसकी जनरल सर्विस के पर्पज़ से इसको खोलना। स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस यू बाइक वाली वीडियो में हम निकालने वाले हैं इसकी हब मोटर, क्योंकि ये थोड़ी सी जाम चल रही है। हम देख सकते हैं काफ़ी जाम है ये, तो हम इसको अपने गैराज में खोलेंगे और इसको इसकी एक जो जनरल सर्विस होती है, जैसी सर्विस हमने इसकी चार्जर की थी, वैसे करने वाले हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। तो इस तरफ से तो इसका पैनल निकला हुआ है, लेकिन इस तरफ से इसमें अभी भी पैनल लगा हुआ है। तो आइए इसका पैनल खोलते हैं पहले, और इस जी ये जो हब मोटर है उसको बाहर निकालते हैं। ऐसी उम्मीद थी कि ठीक से बैठे होंगे। देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे जितने भी बोल्ट लगे हुए थे सब जंग आ चुके हैं। तो फिलहाल हम इस ब्रेक और लीवर को निकाल देते हैं सबसे पहले। ज़्यादा टाइट हो गया है, पहले इसके वायर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे। तो गाइस, थोड़ी सी हाथापाई के बाद में इसके जो मेन बोल्ट हैं वो खुल चुके हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला था ताकि जो जंग है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए। ये इस तरफ का खुल गया है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है।
अब इसके बाद में इसके जो मेन वायर हैं जो कि यहाँ एक कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं, इसको खोल देते हैं। ये हमने खोल लिया है। अब मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ब्रेक लेते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोल्ट था वो भी हमने निकाल लिया है, ये वाला भी निकाल लिया है। ये थोड़ा सा जाम हो सकता है तो पेचकस से हो सकता है आपको खींचना पड़े, और ब्रेक के लिए जो यहाँ पे लगा होता है ब्रेक लीवर वाला भी निकाल दिया हमने। अब भाई ये मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये सेम चीज़ इस वाले को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उस तरफ से भी आपको निकालनी होगी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मोटर को आराम से निकालना है क्योंकि अभी अभी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग वर्क करना है। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, और फिर सेम चीज इस तरफ भी। ठीक है, ओके। तो अभी ये वाला जो हिस्सा था वो बाकी था ब्रेक वाला, तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। ये चीज़ हमने अलग कर दी है, और उसके बाद में अब मोटर भी आसानी से अलग हो जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।